नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए अब जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 24 अप्रैल यानी कि आज शाम 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की प्रधानता की। इस मीटिंग के दौरान देश में ऑक्सीजन सप्लाई पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराएगी। सरकार इस संदर्भ में 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुहैया करवाएगी। जम्मू कश्मीर में 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीन अभियान में 65 लाख आबादी को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सरकारी और निजी चिकित्सा केंद्रों पर लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके 2 पाकिस्तानी ड्रोन शनिवार सुबह भारतीय सीमा में घुस आए और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 4:30 और 4:45 बजे के करीब आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोनों को मार गिराने की कोशिश में उन पर करीब 15 गोलियां चलाई, जिसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौट गए। बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे नारे दे रही है और जम्मू के लोगों के हित के लिए कुछ भी नहीं कर रही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस और कनक मंडी में शनिवार से स्वैच्छिक तौर पर वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। अब ये सभी दुकानें सोमवार सुबह खुलेंगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला को कोविड-19 के तहत डेडिकेट करते हुए यहां पर आइसोलेशन के लिए बिस्तरों का इंतजाम किया है। और कुंजवानी में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कि एक ट्रक पलट गया। इस वजह से वहां पर यातायात भी काफी देर के लिए अवरुद्ध रहा। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।